हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आज। तो हम लोग क्वेश्चन 7 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशंस ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो स्टूडेंट देखते से क्वेश्चन क्या कह रहे हैं ना, क्वेश्चन ये कह रहा है एक बिल्डिंग है, ठीक है। एक हम लोग का क्या है, बिल्डिंग है, मान लेते हैं हम लोग का ये यहाँ से ये क्या है, बिल्डिंग है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से हम लोग का बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है। और ये हम लोग का क्या है, ग्राउंड, जमीन, ठीक है। यहाँ से जमीन है, ठीक है। तो बिल्डिंग की हाइट हम लोग को बोल रहा है कितना है, 20 मीटर। देखिए द टॉप ऑफ हा 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो 20 मीटर इसका हाइट दिया हुआ, बिल्डिंग का हाइट दिया हम लोग को यहाँ से 20 मीटर, ठीक है स्टूडेंट, 20 मीटर दिया हुआ। और बिल्डिंग के ही ऊपर एक क्या है, टावर है, ठीक है, ट्रांसमिशन टावर। बिल्डिंग के ऊपर ही एक क्या है, टावर है स्टूडेंट, ठीक है। बिल्डिंग के ही ऊपर एक टावर है, ठीक है, जो कि इस पॉइंट से उसका टॉप में देखने से यहाँ से और एक यहाँ से एक बोल रहा है उसका बॉटम में, एक बार दो एंगल बनता है एलिवेशन, ठीक है। एक उसका बॉटम में देखने से बनता है, ठीक है। तो कितना बनता है, वो बनता है 45 का, नीचे वाला बॉटम के लिए हो जाता है 45, और उसका टॉप के लिए, ठीक, टॉप के लिए एक एंगल बनता है 60 डिग्री का, ठीक है। इसमें 45 बन रहा है उसके बॉटम में देखते हैं तो, और 60 डिग्री बनता है जब उसके ट्रांसमिशन टावर के टॉप में देखते हैं तो हम लोग इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। हम लोग ने क्या किया, नाम दे दिया। अब हम लोग मान लेते हैं हम लोग को क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ये जो टावर का जो हाइट है हम लोग को वो फाइंड करना है। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ से यहाँ क्या है, एच है, ठीक है। यहाँ से क्या है, एच मीटर मान लेते हैं, ठीक है। इसमें तो हम लोग लिख देते हैं सॉल्यूशन में, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच, ठीक है ना। हम लोग ने स्टूडेंट मान ली है कि जो टावर का हाइट है क्या है, एच, ठीक है। और हम लोग इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का दूरी, यहाँ से यहाँ का दूरी हम लोग ने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, ठीक है स्टूडेंट, एक्स, ठीक है। तो लेट ए बी इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ से हम लोग ने एक्स मान लिया। तो अब हम लोग स्टूडेंट निकालेंगे, ये हाइट निकाला तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये ट्राइंगल में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। हम लोग को स्टूडेंट इसमें क्या पता, क्या है ये पता है, निकालना क्या है ये, तो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बजाता है बेस, यानी कि हम लोग क्या पता है, बी सी पता है। हम लिख देते हैं बी सी डिवाइडेड बाय ए बी, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाय, ये हो जाएगा बी इक्वल टू क्या, टैन थीटा, क्योंकि पी बाय बी क्या होता है, टैन थीटा। अब हो जाएगा बी सी हम लोग को दिया है 20 मीटर, ठीक है। और हम लोग ने एक्स का मान कितना निकाला है, एक्स का मान हम लोग ने निकाला है एक्स, तो हम लोग का स्टूडेंट टैन थीटा, यानी कि टैन थीटा की जगह में हम लोग कितना दिए 45, क्योंकि अभी हम लोग स्टूडेंट ये ए बी सी में देख रहे हैं, ए बी और सी में, तो उसका एंगल कितना होता है 45, तो थीटा की जगह कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हो जाएगा हम लोग का 20 और x, ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45 का वैल्यू कितना होता है 1, याद रखिएगा स्टूडेंट, tan 45 डिग्री का होता है 1, ठीक है, वो चीज़ हम लोगों ने कर दिया। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, तो हम लोगों ने क्रॉस गुना कर दिया, 20 इक्वल टू x, यानी कि कितना आ गया 20 मीटर इक्वल टू x, यानी कि हम लोग का ये स्टूडेंट क्या आ गया, x का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया, ठीक है स्टूडेंट, एक्स का मान कितना आ गया 20 मीटर, क्योंकि हम लोग को स्टूडेंट यही निकालना था, क्योंकि स्टूडेंट हम लोग को
ये वाला हाइट निकालना था, और वो हाइट निकालने के लिए हम लोग को ये चीज़ जाना जरूरी था, तो हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है उसमें, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे इन ट्राइंगल। अब देखेंगे हम लोग स्टूडेंट इन ट्राइंगल, आप किस ट्राइंगल में देखेंगे, बड़ा वाला में, ए बी और डी में। ठीक है स्टूडेंट, इन ट्राइंगल ए बी और डी में। ठीक है स्टूडेंट, ए बी देखेंगे क्या, देखिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला पूरा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस जो बजाता है बेस, तो हम लोग को ये वाला लेंगे और ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का, बी डी डिवाइडेड बाय ए बी। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वाला लिए और ये वाला, तो पी बाय बी क्या होता है, पी बाय बी टेन थीटा, जो हम लोगों ने ऊपर में जैसे किया, देखिए पी बाय बी क्या होता है, टेन थीटा, वही चीज़ हम लोगों ने कर दिया। तो स्टूडेंट अब आगे देखिए क्या करेंगे हम लोग, बी डी का वैल्यू हम लोग को पता है, बी डी का वैल्यू हम लोग को देखिए यहाँ से 20, और ये क्या है, एच बी बी है और ये डी ना, तो 20 प्लस एच, तो उसका हाइट हो जाएगा बी डी का, पता चल गया 20 प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे ए बी ठीक है स्टूडेंट, ए बी बोल रहा है, ए बी हम लोगों ने एक्स है। ठीक है, एक्स का मान हम लोगों ने निकाला था कितना स्टूडेंट, देखिए तो चलिए यहाँ पे एक बार एक्स लिख देते, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, टेन बड़ा लिख लिया 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए 20 प्लस एच, और एक्स का मान हम लोग ने निकाला हुआ है, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट एक्स का मान हम लोग का आया है यहाँ पे 20 डिग्री। एक्स का मान कितना आया हम लोग का, 20 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देंगे एक्स का मान कितना हो जाएगा, 20 इक्वल टू, और टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है स्टूडेंट, आप लोग ये सारा वैल्यू सबको याद रखिएगा, टेन 60 का वैल्यू होता है √3। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 प्लस एच इक्वल टू √3 इंटू 20। ठीक है, गुना कर देंगे 20√3 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए थोड़ा ढंग से ले देता मैं, 20√3। ठीक है सर, अब देखिए ये 20 को इक्वल टू किधर भेजेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का एच 20√3 माइनस में, प्लस में था 20 उधर जाएगा तो माइनस में 20। ठीक है, एच यहाँ पे दोनों में 20 कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, √3 - 1। स्टूडेंट अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका आंसर इतना ही छोड़ देंगे, यानी कि हम लोग का कितना आंसर आ जाएगा, एच का हाइट कितना आ गया, ये एच का हाइट कितना आ गया, 20√3 मीटर कर देते लास्ट में आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।